हेलो चेक। हेलो क्या जे क्या जे गुड मॉर्निंग एवरीवन। हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी का आज तीसवा मैच पापुम रॉयल बनाम लालानी किंग पावर्ड बाय पवेलियन। बस कुछ ही क्षणों में टॉस आपके सामने। दोनों ही कप्तान तैयार और ये टॉस उछाला गया। डोरिया की खुशी बता रही है कि टॉस जीता है इन्होंने। जी हाँ, पापुम रॉयल ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पापुम रॉयल की टीम कुछ इस प्रकार। तेची दोरिया, तेची टाडो, ताबा टोपा, ताबा कागो, ताना लोमा, तेची राजा, किशन गुप्ता, नबाम जिनाम, रचित शर्मा, ऋषभ त्यागी, गुफरान अख्तर खान, नबाम टाकर, ताना तेती और ताटो का। वहीं लालाने किंग, नबाम कामा, नबाम आबो, तेची टिकली, नबाम जिजो, नबाम तामा, विशाल दुबे, अभिमन्यु सानी, सितेश दास, गोलो, तायुम,
दोनों अंपायर तैयार, धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए। कुछ ही छड़ों में मैच लाइव स्टार्ट आपके सामने। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा आज पापुम रॉयल बनाम लाला ने किंग्स के बीच। वहीं कप्तान नबामाबो तैयार हैं अपनी टोली के साथ। जी हाँ, हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी दिन का पहला मैच पापुम रॉयल्स बनाम लालाने किंग। बल्लेबाज तैयार तेजी दोरिया और उनके साथी बल्लेबाज तेजी ताडो, जिन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी है अभी तक के जितने भी मैचेस हुए हैं। ये ओपनिंग पार्टनरशिप ने काफ़ी प्रभावित किया है। अपनी बल्लेबाजी से बल्लेबाज तैयार। वही अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पारे टोर्नेडोज 10 मैचों में 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट के साथ अभी भी शीर्ष पे। वहीं पोमा ट्राइडेंट ने भी 10 मैचों में 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे। पानी और टाइटन 10 मैच में 5 जीती, वो भी 10 पॉइंट के साथ मौजूद। मैच स्टार्ट। देखना होगा पापुम रॉयल्स का ये मुकाबला। अगर ये मैच वो जीतती है तो आज वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं लीडर बोर्ड की बात करें तो डोरिया इस टाइम पे शीर्ष पे मौजूद। पहला बॉल जाने दिया। जब मैं इनकी बल्लेबाजी की बात कर रहा था, 9 मैचों में 8 इनिंग में 454 रन बनाकर पहले स्थान पर। क्या शानदार ये टूर्नामेंट रहा है इनके लिए। अपने बल्लेबाजी से निश्चित बहुत प्रभावित किया है अभी तक। इस बार हवाई यात्रा पे अंपायर का इशारा 6 रन। जी हाँ, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, पहले से ही सेट होके आते हैं और इस तरीके की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं डोरिया। मैच की दूसरी बॉल और भेज दिया बॉल को हवाई यात्रा पे। इस बार बाहरी किनारा लेके थर्डमैन की दिशा में बॉल, और जब तक फील्ड होगी आराम से 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन।
इस बार पूरी तरीके से चूके, पैड पर जाके टकराई बॉल, कोई भी नुकसान नहीं। देखना होगा, एक बार फिर दिशा से भटके, एक अतिरिक्त रन, इसी के साथ रनों में एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पापुम रॉयल्स। मिड ऑन की दिशा में खेल के आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इसी के साथ छोर में तब्दीली, अब सामना करेंगे डोरिया जो 3 बॉल खेलकर 7 रन बना चुके हैं। इस पर बाहर निकलता हुआ बॉल, खेत और बैट का कोई संपर्क नहीं है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टीम पापुम रॉयल्स। कमा का ये ओवर, एक ओवर में 9 रन खर्चे। टिकली आए हैं इस पारी का दूसरा ओवर लेके, सामना करेंगे टाडो। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं फिलहाल। इस बार अंदर की तरफ आई थी बॉल, पहला ही खूबसूरत बॉल। इस बार शानदार ड्राइव खेला है लेकिन फील्डर तैनात, कोई भी मौका नहीं हाथ खोलने का। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं टिकली। इस बार बॉलर के ऊपर से खेल दिया है फील्डर तैनात, और काफी शानदार फील्डिंग, आसानी के साथ जी हाँ ये ओवर थ्रो के रूप में रन आते हुए। पूरा मौका था यहाँ पर विकेट चटकाने का, शानदार फील्डिंग करी थी। करीबी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे। इसी के साथ स्कोर 12 रन, 1.3 बॉल का खेल समाप्त, सामना करेंगे टोरिया। और इस बार फिर से हवाई यात्रा में गेंद, अंपायर का इशारा, 6 रन। टोरिया को इस प्रकार की गेंदें खेलना काफी आसान, एफर्टलेस छक्के मारते हैं इस तरीके की गेंदों पे। एक 1.4 बॉल का खेल पूरा होता हुआ,
स्कोर 18 रन। गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहां बॉल रखनी है। एक बार फिर से तैयार, ओ इस बार यॉर्क लेंथ की बॉल आसानी के साथ रोका। शानदार गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया गेंदबाज टिकली ने। एक बार फिर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन ये मिसफील्ड, और इसी मिसफील्ड के साथ आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर दो ओवरों की समाप्ति पर 20 रन। 7 बॉल का सामना किया डोरिया ने और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं टाडो उनका भरपूर साथ देते हुए 5 बॉलों पर 4 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद। सामना करेंगे टाडो कामा का। खूबसूरत शॉट, लेकिन गेंद जब तक फील्ड होती आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा किया। इस बार अच्छी कनेक्ट हुई थी और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। टाडो भी अपना हाथ खोलते हुए आसानी के साथ हिट लगा रहे हैं और आज बड़ा मौका टीम को क्वालिफाई कराने का, और ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। एक बार फिर से कलाइयों से मारा था, जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ भागकर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं डोरिया, जानते हैं कि उनको विकेट पर रहना कितना जरूरी। टिकली एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे टाडो। इस बार किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
बचे हैं 2.5 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ। इस बार फिर सीधा खेला है फील्डर तैनात, आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन कनेक्ट अच्छे से नहीं हुई और इसी एक रन के साथ स्कोर 37 रन। एक बार फिर कवर्स की दिशा में खेल के एक रन मुकम्मल किया। चौथा ओवर प्रगति पे। बल्लेबाज तैयार। फील्डर के हाथों में खेला था, मना किया रन लेने से। 3.3 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे टीम पापुम रॉयल्स। एक बार फिर से अच्छी गेंद, काफी सदी हुई गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है टिकली द्वारा। काफी शानदार ओवर गुजरता हुआ अभी तक लालानी की तरफ से। ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे डोरिया और इस बार हवा में बॉल, लेकिन एक बार फिर से बाल बाल बचे इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 39 रन 4 ओवरों की समाप्ति पर। अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर शेष। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पारी का 5वां ओवर और अपने खाते का पहला ओवर लेके आए हैं सितेश।
और ये फुल टॉस बॉल पीट करी, कोई भी मौका नहीं, कोई भी रन नहीं। बारिश के कारण ग्राउंड अभी भी शायद ग्राउंड में अभी भी नमी मौजूद। हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी 2024 का ये 30वां मुकाबला पापुम रॉयल्स बनाम ललानी किंग के बीच खेला जा रहा है एबी क्रिकेट ग्राउंड दोईमुख में। शायद थोड़ी सी चोट आई है विकेट कीपर राधे को। वहीं अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो तीन टीमें अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें पारे टोर्नेडोज, पुमा ट्राइडेंट, पानियो टाइटंस क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे मौजूद। वहीं यह अहम मुकाबला चलता हुआ पापुम रॉयल्स बनाम ललानी किंग के बीच। घायल हो गए हैं विकेट कीपर राधे, देखना होगा किस तरीके की इंजरी है ये। वहीं बैटिंग की बात करें तो शानदार बैटिंग करते हुए पापुम रॉयल्स काफी प्रभावित किया है अपनी बैटिंग से इस ओपनिंग पेयर ने। शानदार बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बैटर, 4.1 बॉल का खेल अभी तक होता हुआ, स्कोर 39 रन। बॉलिंग मार्क पे सितेश, वहीं बैटिंग की बात करें तो डोरिया 10 बॉलों पर 17 रन बनाकर और टाडो 15 बॉल पर 20 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद। क्या अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो पापुम रॉयल्स टू विन द मैच वर्सेस ललानी किंग्स आंसर इन यस और नो ऑन प्रोबो ऐप एंड मेक प्रॉफिट। जी हाँ, promo.in पर जाकर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बार फिर से तैयार, टाडो सामना करेंगे सितेश का। इस बार कवर्स के ऊपर से शानदार बेहतरीन लाजवाब शॉट 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव आसानी के साथ 1 रन पूरा करके छोर में तब्दीली। डोरी आएंगे सामना करेंगे सितेश का, स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें शेष,
सितेश तैयार, सामना करेंगे डोरिया। और इस बार करीबी मामला, अंपायर संतुष्ट नहीं। काफी जोरदार अपील लेकिन अंपायर प्रभावित नहीं। एक बार फिर से उसी दिशा में खेला है फील्डर तैनात। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। काफी अच्छा निर्णय अंपायर का, काफी एक्सपीरियंस अंपायर हैं। और ये पूरी तरीके से चूके विकेट कीपर। अंपायर का इशारा वाइड और इसी अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। एक बार फिर से हवाई यात्रा में लेकिन फील्डर मौजूद। आसानी के साथ भाग के रन को पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति। पचास रन पूरा करती हुई टीम पापुम रॉयल्स 5 ओवर की समाप्ति पर। खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा। वहीं बॉलिंग में तब्दीली, अब आबो आए हैं गेंदबाजी करने। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं आबो। और इस बार पूरी तरीके से दिशाहीन गेंद। इन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। जी हाँ, पांच ओवर की समाप्ति पर 55 रन। खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे। शानदार फील्डिंग। ढोरिया अपने निजी स्कोर 18 पर, वहीं टाडो बैटिंग कर रहे हैं 27 रन के निजी स्कोर पे। एक बार फिर से अच्छी गेंद। बैक टू बैक डॉट बॉल्स होती हुई। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं आबो। और ये हवाई यात्रा में गेंद, देखना होगा। केएमसी मरेगा के बाहर 4 रन।
खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है डोरिया ने। दर्शनीय और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। छह ओवरों की समाप्ति पर 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे टीम पापुम रॉयल्स एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे सितेश सामना करेंगे। टाडू सामना करेंगे खूबसूरत बॉल। इस बार फील्डर नीचे मौजूद और ये आसानी के साथ इस विकेट का पतन। टाडो बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं मिला और आसानी से ये कैच लपक लिया गया और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ पापुम रॉयल्स का 61 के स्कोर पे। अभी तक काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे टाडो जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया था और 27 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी के साथ पहला विकेट नए बल्लेबाज ने आते ही खाता खोला। कागू साथ देना होगा अगर एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाना है तो। एक बार फिर से फील्डर पीछे मौजूद अंपायर का इशारा वाइड बॉल और इस अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा। मैच तो रुक गया तब तो। जी हाँ इस डॉट बॉल इस बार आगे बढ़ के मारना चाहते थे लेकिन कोई भी मौका नहीं दिया गेंदबाज ने। 6.5 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ और इस बार फिर मारना चाहते थे लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर 68 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम पापुम रॉयल्स 15-15 ओवर का यह मुकाबला। सात ओवर की समाप्ति पर 68 रन एक विकेट के नुकसान पे 8 ओवरों का खेल शेष। अब वो एक बार फिर से तैयार
इस बार फील्डर तैनात मात्र एक रन से इसी एक रनों के साथ स्कोर में इजाफा। आसानी के साथ एक रन और कंप्लीट करते हुए और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन एक विकेट के नुकसान पे। लेकिन क्रीज पे अभी भी डोरिया मौजूद। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे डोरिया। इस बार काफी फाइन खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ दो रन पूरा किया। इसी दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन एक विकेट के नुकसान पे। यह ग्राउंड अभी भी पूरी तरीके से सूखा नहीं। फील्डिंग में थोड़ी कठिनाइयां। सामना करेंगे डोरिया एक बार फिर से। अब तैयार, इस बार आगे निकल के खेल दिया है, लेकिन किसी के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट। जी हाँ, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन एक विकेट के नुकसान पे। डोरिया अपने निजी स्कोर 35 पर मात्र 25 गेंदों का सामना किया है। इस बार कागू ने हाथ खोले, लेकिन पीछे फील्डर तैनात। एक रन और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 80 रन। अल्फाबेट हॉस्पिटल, मेन रोड, निर्जुली, पापमपारे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। सितेश एक बार फिर से अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके, और आसानी के साथ सिंगल प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज जानते हैं कि डोरिया को स्ट्राइक पे रखना कितना अहम, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो करते हैं, वो काबिले तारीफ। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से रोका। सितेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है अभी तक, पिछले दो गेंदों की बात करें तो। इस बार फुल टॉस गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन 8.3 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ। इस बार मारने का कोई मौका नहीं दिया। डोरिया अपने निजी स्कोर 41 पे मात्र 28 गेंदों का सामना किया है। इसी के साथ 8.3
पांच बॉलों का खेल पूरा होता हुआ और की आखिरी बॉल और ये फील्डर पीछे तैनात आसानी के साथ भागकर एक रन पूरा करेंगे। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन एक विकेट के नुकसान पे 9 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 6 ओवर शेष। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल एडमिशन स्टार्ट। अब एक बार फिर बहुत तेज से बल्ला घुमाया था लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं, मात्र 1 रन से संतोष। स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। करंट रेट की बात करें तो 9.8 का चलता हुआ काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए आबो एक बार फिर से आगे बढ़ के मारना चाहते थे लेकिन सम्मान दिया बॉल को। 9.3 बॉल का खेल पूरा होता हुआ इस बार भी काफी जोरदार अपील लेकिन अंपायर प्रभावित नहीं। इसी के साथ अंपायर का इशारा लेग बाई के रूप में ये रन आता हुआ स्कोर में तब्दीली। स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन। इस बार कागू ने खेल दिया है हवा में शॉट लेकिन कोई भी फील्डर तैनात नहीं, आसानी के साथ भागकर 1 रन पूरा करेंगे और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन एक विकेट के नुकसान पे टीम पाबुम रॉयल्स। ओवर की आखिरी बॉल जी हाँ, इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे डोरिया अपने पास। 10 ओवर की समाप्ति पर 93 रन एक विकेट के नुकसान पे पाबुम रॉयल्स। विशाल अपने कोटे का पहला ओवर लेके इस पारी का 11वां ओवर। अभी भी 5 ओवर बचे हैं, देखना होगा कितना रन अर्जित कर पाती है टीम पाबुम रॉयल्स। जी हाँ बिल्कुल, दिशाहीन गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये रन आउट की अपील करते हुए जी नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ पहुंच चुके थे।
अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो promo.in पर लॉग इन करें और इस मैच में अपना ओपिनियन देखे, प्रॉफिट बनाएं। बॉलर एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे डोरिया। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अभी तक और इस बार टीप कवर के फील्डर के हाथ में खेलकर आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन, एक विकेट के नुकसान पे। वहीं डोरिया अब 44 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं, मात्र 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। कागू भी काफी शानदार बैटिंग करते हुए भरपूर साथ दे रहे हैं अपने साथी बैटर का। एक बार फिर इस बार टीप पॉइंट की दिशा में खेला था, आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा करेंगे और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन। वहीं डोरिया अपने निजी स्कोर 46 रन पर पहुंच चुके हैं। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें शेष। और एक बार फिर से दिशा से भटके गेंदबाज, प्रेशर साफ झलकता हुआ। जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है पापुम रॉयल्स के बैटर से, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज विशाल। 10.4 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 100। और एक बार फिर से कट करना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 101, एक विकेट के नुकसान पे पापुम रॉयल्स। ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे कागू। इस बार हवाई यात्रा में गेंद गैर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। खूबसूरत बैटिंग करते हुए इस टाइम पे पापुम रॉयल्स के बल्लेबाज अभी भी जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिले तारीफ। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर 107 रन, एक विकेट के नुकसान पर पापुम रॉयल्स। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। बॉलर एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे डोरिया और आसानी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इसी के साथ वो अपना अर्धशतक पूरा करते हुए क्या शानदार बल्लेबाजी करते हैं। क्या खूबसूरत शॉट पिक किया था और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बॉलर एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे डोरिया। एक बार फिर से खेला है, फील्डर मौजूद लेकिन कोई भी जोखिम नहीं, मात्र 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी विकेट पापुम रॉयल्स के हाथ में है।
और ये बड़ा हिट खेलना चाहते थे, आसान सा कैच दे बैठे बॉलर को। कागू आउट होकर पवेलियन जाते हुए। जी हाँ, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं है और एक आसान सा कैच। गेंदबाज के हाथ में, नए बल्लेबाज आए हैं। क्या शानदार लुगु आए हैं बैटिंग करने। बॉलर एक बार फिर से तैयार, देखना होगा। टिकली अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अभी 20 ओवर की दो बॉलें शेष, लेकिन इस बार कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। किन सीमा रेखा के बाहर, चार रन इसी। देखिए क्या खूबसूरत शॉट, जानते थे कि पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन दो विकेट के नुकसान पर टीम पापुम रॉयल्स। ओवर की आखिरी बॉल, एक बार फिर से मौका बन सकता था लेकिन चूके, और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन। अभी भी स्ट्राइक रखेंगे डोरिया अपने हाथ में, देखना होगा किस प्रकार का ये कैच। कैराली विलियम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंक एंड रिलैक्स। जी हाँ, 12 ओवर की समाप्ति पर 119 रन दो विकेट के नुकसान पे टीम पापुम रॉयल्स। बॉलिंग में तब्दीली, गोलो सामना करेंगे डोरिया, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं गोलो डोरिया को। पहला बॉल भेज दिया है इसको तारामंडल में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आते ही पहले बॉल को जिस प्रकार की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी स्कोर प्रेडिक्ट करना आसान नहीं। क्या शानदार बल्लेबाजी का नजारा। अपने एक्सपीरियंस का पूरा लाभ उठाते हुए डोरिया हर तरीके की शॉट इनके पास मौजूद, और एक बार फिर से सामने की तरफ किसी के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन, और इसी 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन। क्या एक और शतक देखने को मिल सकता है क्या, यह देखना काफी अहम होगा क्योंकि मात्र 31 रन दूर अपने शतक से। एक बार फिर से किसी के पास कोई भी मौका नहीं,
एक और शॉट, एक और छक्का, इसी के साथ बैक टू बैक तीन छक्के डोरिया 44 बॉलों पर 75 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए, और जिस प्रकार की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं जी हाँ, 15-15 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। बॉलर एक बार फिर से तैयार, इस बार टीप कवर पर एक फील्डर तैनात। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 138 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम पापुम रॉयल्स। लोगों सामना करेंगे गोलों का, जी हाँ, आसानी के साथ एक रन प्राप्त किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 139 रन। जी हाँ, लोगों भी जानते हैं कि इस टाइम पे डोरिया का स्ट्राइक पर रहना कितना जरूरी। ओवर की आखिरी बॉल का सामना करेंगे डोरिया। दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर चले। और देखना होगा थर्ड अंपायर को रेफर किया है, लाजवाब शॉट था लेकिन उतना ही अच्छा प्रयास। अभी भी थर्ड अंपायर का निर्णय आना बाकी। इसी के साथ कागो को लौटना होगा, माफ कीजिएगा लुगु को। लुगु 2 रन बनाकर आउट और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अल्फाबेट हॉस्पिटल, यहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी अगले बल्लेबाज आए हैं तापा, बॉलिंग मार्क पे कामा, अभी खूबसूरत गेंद, एक 140 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पापुम रॉयल्स। इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल,
इसी एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 141। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज कामा पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट। दिए हुए नंबरों पर फोन करें या फिर ईमेल करें पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट @gmail.com। इस बार एक बार फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक सौ 142 रन अभी तक 13.2 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ ये मैच 15 ओवरों का खेला जा रहा है। अभी भी 10 बॉलें शेष। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे बल्ला लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 143। तीन विकेट के नुकसान पे गेंदबाज एक बार फिर से और इस बार फिर से किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 149 रन 13.4 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ। टूरिया अपने निजी स्कोर 82 रन पे। सैतालीस गेंदों का सामना किया है और 82 रन बना चुके हैं अभी तक। मात्र 18 रन दूर अपने शतक से। एक बार फिर से और ये बॉल भी गेंद इस तरीके के कैच लपकने होंगे। ये भी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ इसी के साथ डोरिया 88 रनों पर। ओवर की आखिरी बॉल स्लो बॉल थी लेकिन आसानी के साथ सिंगल लिया और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर पापम रॉयल्स 14 ओवरों की समाप्ति पर। 15 ओवर का ये मुकाबला आखिरी ओवर लेके जाएंगे तायुम 14 ओवरों की समाप्ति पर 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर पापम रॉयल्स। वही डोरिया बैटिंग कर रहे हैं मात्र 49 गेंदों पर 89 रन 11 रन दूर अपने शतक से। तायुम सामना करेंगे डोरिया।
पहला बॉल फील्डर नीचे तैनात लेकिन कोई भी मौका नहीं और इसी के साथ ये 6 रन और इसी 6 रनों के साथ डोरिया का निजी स्कोर 95 रन, मात्र 5 रन दूर अपने शतक से 50 गेंदों पर ये 95 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए किसी भी बॉलर को मौका नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, देखना होगा। और यह भी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और इसी के साथ एक और शतक टेचिटोरिया, मात्र 51 गेंदों पर 101 रन की यह पारी। काफी जोर से घुमाया था फील्डर तैनात लेकिन खराब फील्डिंग का मुजाहरा, वन मैन शो टेचिटोरिया। अभी भी इस ओवर में 4 गेंदे शेष। ₹14.2 गेंदों का सामना किया है टीम पापुम रॉयल्स ने अभी तक। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, चारों दिशाओं में खेल रहे हैं, किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से खेला था बैट का ऊपरी किनारा लगता हुआ लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अभी भी 4 बॉलों का सामना किया और इस ओवर में 20 रन अर्जित किए। टूरिया का निजी स्कोर 53 बॉलों पर 109 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 176 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं करंट रन रेट की बात करें तो 12 रन प्रति ओवर। एक बार फिर से खेला है फील्डर, मात्र दर्शक बनके रह जाएंगे और यह गेंद भी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है गेंदबाजों को। इस पारी की लास्ट बॉल, आखिरी बॉल का सामना करेंगे डोरिया। इस बार भी खेल दिया है हवा में, देखना होगा। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा किया और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति। 55 बॉलों पर 170 रन की यह पारी, क्या शानदार पारी खेल के जा रहे हैं लालाने को यह मैच जीतने के लिए। अब 90 बॉलों पर 185 रन बनाने होंगे पापुम रॉयल्स। क्या खूबसूरत बैटिंग का नजारा, क्या खूबसूरत बैटिंग का। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो आप भी पढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
दोनों अंपायर तैयार, धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए कुछ वहीं कप्तान नबामाबो तैयार हैं अपनी टोली के साथ, बल्लेबाज तैयार तेजी दोरिया और उनके साथी बल्लेबाज तेजी ताडो जिन्होंने काफी अच्छी इस बार हवाई यात्रा पे, और इस बार फिर से हवाई यात्रा में गेंद, इस बार अच्छी कनेक्ट हुई थी, इस बार किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। टाडो सामना करेंगे सितेश का, इस बार कवर्स के ऊपर से, और इस बार पूरी तरीके से, और ये हवाई यात्रा में गेंद देखना होगा, इस बार फील्डर नीचे मौजूद और ये तैयार, इस बार आगे निकल के खेल दिया है, लेकिन पिछले दो गेंदों की बात करें तो इस बार फुल टॉस गेंद को, इस बार हवाई यात्रा में गेंद गैसी मार सामना करेंगे डोरिया और आसानी के साथ और ये बड़ा हिट खेलना चाहते थे। अभी 20 ओवर की दो बॉलें शेष, लेकिन इस बार कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। आखिरी बॉल एक बार फिर से मौका बन, पहला बॉल भेज दिया है इसको तारामंडल में, हर तरीके की शॉट इनके पास मौजूद, और एक बार फिर से किसी के पास कोई भी मौका नहीं। एक बार फिर से और एक बार फिर से किसी भी फील्डर के पास कोई भी, एक बार फिर से और ये पहला बॉल फील्डर नीचे तैनात, लेकिन कोई भी मौका, जी हाँ देखना होगा। और डोरिया एक बार फिर से और एक बार फिर से खेला था, एक बार फिर से खेला है
अच्छा, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 में पापम रॉयल्स बनाम लालानी किंग्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही बल्लेबाज तैयार। लंबी रनचेस पापम रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाया था 3 विकेट के नुकसान पे। वही देखना होगा अब हमकामा स्ट्राइक लेंगे। वही नॉन स्ट्राइक पे नबामाबो गेंदबाजी का भार संभालेंगे तापा। चार बॉलर तैयार, सामना करेंगे कामा। पहला ही बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ लालानी किंग का। एक बार फिर दिशाहीन गेंद और इसी एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। तोरण सामना कर रहे हैं कामा। बॉलर तापा एक बार फिर से तैयार। और इस बार शॉर्ट स्कोर लेग में फील्डर मौजूद था लेकिन कोई भी मौका नहीं और आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा किया और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन एक बॉल की समाप्ति पे। इस बार सामने की तरफ खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सी मारेगा कि बाहर, 4 रन। इसी के साथ 2 गेंदों पर स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। एक बार फिर से तैयार लेकिन फील्डर मौजूद। 3 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 8 रन। हमने टूर्नामेंट को लाइव कराए, कनेक्ट करें pavilionplay.com पे। एक बार फिर से तापा तैयार। इस बार
किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सी मारेगा के बाहर, 6 रनों के लिए। शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं कामा, 4 गेंदों का सामना किया है और 12 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 4 गेंदों पे। प्रोबो.in पर लॉगिन करें और आसान से सवालों का जवाब देकर अपना प्रॉफिट बनाएं। ओवर की 5वीं बॉल, एक बार फिर सामने की तरफ खेला है, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरे किए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन लाला ने किंग। ओवर की आखिरी बॉल लेकर टापा, इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बॉलर लोमा को लाए कप्तान डोरिया। सामना करेंगे आबो, बल्लेबाज तैयार सामना करने के लिए लोमा। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में। पहला बॉल सामने की तरफ खेला, फील्डर तैनात, आसानी के साथ एक रन बाकी पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी 83 गेंदों पर 168 रनों की जरूरत लाला ने किंग को ये मैच जीतने के लिए। अपने ओवर के दूसरी बॉल को लेकर चले हैं लोमा। इस बार फिर से हवा में खेला था शॉट, लेकिन गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा किया कामा ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। एक 1.2 गेंदों का खेल अभी तक पूरा होता हुआ, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी रहती है इस ओवर में। और ये आसान सा कैच दे बैठे हैं डोरिया के हाथों में, काफी उत्साहित नजर आ रही है पापुम रॉयल्स की टीम। और हो भी क्यों ना, किस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिली थी हमें पहले इनिंग में, वो काबिले तारीफ। एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था सामने।
कामा जो अच्छे लय में दिख रहे थे अपना विकेट गवा बैठे। इसी के साथ लाला ने किंग का पहला विकेट गिरता हुआ देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं टिकली, सामना करेंगे लोमा का। अभी तक शानदार गेंदबाजी करी है, 3 गेंदों पर 3 रन देके 1 विकेट। इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इसी 1 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। और एक बार फिर से तैयार, इस बार किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं, केन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। टिकली ने खाता खोला अपना इस बाउंड्री के साथ, वही स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अच्छी बॉल डॉट किया है और इस 5 गेंदों पर मात्र 8 रन देकर 1 विकेट अर्जित किया है गेंदबाज लोमा ने। एक बार फिर से तैयार लोमा, इस बार फील्डर तैनात है, देखना होगा। काफी शानदार फील्डिंग, लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरा किया और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। लाला ने किंग, काफी रोमांचक होगा ये मुकाबला, रनचेज देखने लायक। तो 2 ओवरों की समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ, थापा एक बार फिर से सामना करेंगे आप वो पारी का 3रा ओवर लेके। काफी अच्छी गेंद पड़ के बाहर की तरफ आई थी, अभी भी 77 गेंदों पर 159 रन बनाने होंगे लाला ने को ये मैच जीतने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे आप वो इस बार सामने की तरफ खेला है फील्डर पीछे तैनात, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। टिकली आए हैं सामने, और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। क्लीन बोल्ड, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन
पूरी तरीके से चूके बैट का बाहरी किनारा लगा था। प्ले डाउन हो गए और इस तरीके से ये अपना विकेट गवा बैठे। खुश नहीं होंगे। इसी के साथ लाला ने किंग का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज विशाल सामना करेंगे तापा का। काफी लंबा रंचेस कप्तान नवामावो के ऊपर अब भार। तीसरा ओवर प्रगति पे 2.4 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ। इसी एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। दो विकेट के नुकसान पे और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति पर लाला ने किंग का स्कोर 28 रन दो विकेट के नुकसान पे। कप्तान नवामावो विशाल क्रीज पर मौजूद। ऑन बिल T20 ट्रॉफी 2024 का 30वां मैच। पापुम रॉयल्स पर नाम लाला ने किंग के बीच चलता हुआ। 12 ओवर का मुकाबला बचा हुआ है अभी। 15-15 ओवर का ये मैच चलता हुआ। बॉलर लोमा एक बार फिर से देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते विशाल और आबो। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल एडमिशन स्टार्ट है। लोमा एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे विशाल। इस बार कवर्स की दिशा में खेला था लेकिन फील्डर तैनात भाग के आसानी से एक रन पूरा करेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। 3.2 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ। 15-15 ओवरों का यह मुकाबला, अभी भी 70 गेंदों पर 156 रन की जरूरत। और ये एक और आसान सा कैच दे बैठे हैं कप्तान डोरिया के हाथों में। कप्तान का भी विकेट जाता हुआ। नवामावो मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ लाला ने किंग को 3.3 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ और ये तीसरा विकेट कुछ इस प्रकार एक आसान सा कैच डोरिया के लिए। जी हाँ, एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम लाला ने किंग। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 मैच नंबर 30। बल्लेबाज आए हैं अभिमन्यु, सामना करेंगे लोमा का जिन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी करी है अभी तक। 1.3 गेंद 11 रन देकर 2 विकेट अर्जित किए हैं। लोमा एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे अभिमन्यु। पीछे फील्डर तैनात, कोई भी मौका नहीं, दबाव बना के रखा हुआ है गेंदबाजों ने पूरी तरीके से लाला ने किंग के बल्लेबाजों पर। हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से पहले ओवर में बल्लेबाजी करी थी कामा ने, उसे देख के ऐसा लगा था कि काफ़ी आसानी से रन बनाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा एक बार फिर से मौका बनाया था लेकिन काफ़ी दूर। आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट अपनी छुट्टी के लिए बुक करें, इसे दिए हुए नंबर पर कॉल करें या ईमेल आईडी पे, ईमेल भी कर सकते हैं पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट @gmail.com पे। इस ओवर की आखिरी गेंद आसानी के साथ खेल दिया है, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। देखना होगा किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बैट्समैन अभिमन्यु और विशाल। गेंदबाजी में तब्दीली, राजा सामना करेंगे विशाल जिन्होंने अभी तक 5 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं। सामना करेंगे राजा का, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं राजा। क्या खूबसूरत जिस प्रकार का शॉट था, उतनी अच्छे फॉलो थ्रू में फील्डिंग भी करी है गेंदबाज ने, निश्चित कुछ रन बचाए अपने लिए। एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे विशाल। आसानी के साथ एक रन प्राप्त करेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। अभी भी 64 गेंदों पर 153 रनों की जरूरत।
यह कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में। आसानी के साथ एक रन प्राप्त कर लेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। तीन विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। पांचवा ओवर प्रगति पे, दोनों बल्लेबाजों को अब जिम्मेदारी लेनी होगी इस मैच को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ के खेला है जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ भाग करते रन प्राप्त कर लेंगे और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। तीन विकेट के नुकसान पर 4.4 गेंदों का खेल अभी तक संपन्न होता हुआ। निर्धारित 15 ओवरों में 185 रन बनाने लक्ष्य काफी बड़ा, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर से मारना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर तैनात। बाकी एक रन पूरा किया आसानी के साथ और स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन तीन विकेट के नुकसान पे। पांचवे ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे अभिमन्यु। हवा में खेल दिया है नीचे फील्डर कहना और यह आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया है। इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ एक बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम, लेकिन जिस तरीके से विकेट का पतन हो रहा है इससे पता चलता है कि कितना प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 का यह मैच, पापुम रॉयल्स बनाम लालाने किंग के बीच चलता हुआ। एक 185 रन का विशाल लक्ष्य रचित को लाए हैं कैप्टन डोरिया। देखना वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं रचित। पांच ओवरों में अभी तक 36 रन लाला ने किंग बना चुकी है। अभी 10 ओवरों में इनको 149 रन बनाने हैं, मात्र 60 गेंद 149 रन की जरूरत। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना। जल्दबाजी, आसानी के साथ दो रन मुकम्मल कर लेंगे। ऐसी दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, चार विकेट के नुकसान पर रचित सामना करेंगे विशाल। इस बार अच्छा कनेक्शन केएल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सब कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीम लालाने किंग को। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे अगर इस मैच में बने रहना है तो। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन चार विकेट के नुकसान पे। ओवर की तीसरा बॉल, सामना करेंगे विशाल। इस बार दिशाहीन गेंद, फील्डर पीछे मौजूद। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ
स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। सामना करेंगे तायुम। फिर फील्डर तैनात, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग, आसानी के साथ भाग कर दो रन पूरा किया। स्कोर 48 रन होता हुआ। एक बार फिर से हवा में गेंद, पीछे फील्डर तैनात और ये आसान सा कैच, लेकिन मिस हुआ। एक बार फिर से देखेंगे, इसी के साथ 50 रन पूरा करते हुए टीम लालाने किंग। पांच दशमलव पांच बॉल का खेल पूरा होता हुआ। लालाने किंग 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल का सामना करेंगे तायुम। आठ के खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार देखना होगा, पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। गेम सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 55 रन। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 14.4 रन प्रति ओवर। अच्छे ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर लालाने किंग। विशाल एक बार फिर सामना करेंगे राजा का। इस बार शानदार कनेक्शन, गेम सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कुछ इस प्रकार की बैटिंग करनी होगी। अभी भी 54 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत है। राजा जिसका सामना कर रहे हैं विशाल। जी हाँ, इस बार पॉइंट की दिशा में खेलकर एक रन आसानी के साथ पूरा किया। जी एक बार फिर से तैयार और इस बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पिछला ओवर काफी अच्छा गया था राजा का, लेकिन इस ओवर में अभी तक 3 बॉलों पर 11 रन दे चुके हैं। 6.3 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ। गेंदबाज राजा एक बार फिर से। इस बार हवाई यात्रा में गेंद,
सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिली है इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज। अभिमन्यु और तायुम के बल्ले से कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे। एक बार फिर से हवा में गेंद देखना होगा। कोई भी खतरा नहीं। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद शेष। सामना करेंगे विशाल। आसानी के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन प्राप्त किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों की समाप्ति पर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम लाला ने किंग। अभी भी 8 ओवरों का खेल शेष। पुंग में पुंगटे रिजॉर्ट एक्सपीरियंस अनपैरेलल्ड सर्विस एट और रिजॉर्ट। जी हाँ, अपनी छुट्टियों को बिताएं पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट में। दिए हुए नंबरों पे कॉल करें या ईमेल करें पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट @gmail.com पे। गेंदबाजी में परिवर्तन। कप्तान खुद आए हैं। सात ओवरों की समाप्ति पर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 48 गेंदों पर 111 रन बनाने शेष। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं डोरिया। सामना करेंगे विशाल। पहला बॉल लेकिन कोई भी मौका नहीं किसी फील्डर के पास। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। एक उम्मीद जगा दी है लला ने किंग के खेमे में। विशाल ने और तायुम ने क्या शानदार बल्लेबाजी करी अभी तक। एक बार फिर लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन मात्र 1 रन से संतोष। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। इस बार पूरी तरीके से बीट किया। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। अंपायर का इशारा बाई। अभी भी 45 गेंदों में 102 रनों की जरूरत। स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे। विशाल 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं तायुम 7 बॉल पर 18 रन बनाकर अपना योगदान भरपूर दे रहे हैं। एक बार फिर से उसी दिशा में घुमाना चाहते थे विकेट कीपर से बॉल। देखना होगा एक बार फिर से अंपायर का इशारा बाई। स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। सात दशमलव 4 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ। एक बार निकल के खेल दिया है सामने की तरफ और ये आसान सा कैच। देखना होगा चोटिल हुए हैं खिलाड़ी।
अच्छा सामने की तरफ निकल के मारा था टाइम ने। अच्छा एक बार फिर से मुकाबले के लिए तैयार। स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर का आखिरी बॉल, सामना करेंगे विशाल। देखना होगा, अंपायर ने रेफर किया थर्ड अंपायर की तरफ। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, सूझबूझ भरी गेंदबाजी। बाल बाल बचे। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति पर 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। विशाल बैटिंग कर रहे 18 गेंदों पर 31 रन बनाकर, वहीं तायुम 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। 7 ओवर अभी विशेष। कुछ इस प्रकार की ही बल्लेबाजी का जरूरत। बड़े बड़े हिट लगाने होंगे गेंदबाजी में तब्दीली। या फिश फार्मिंग एंड से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। काफी शानदार बैटिंग कर रहे हैं तायुम और विशाल। अभी भी 42 गेंदों पर 96 रन बनाने की जरूरत। आठ ओवर का खेल पूरा होता हुआ जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करेंगे आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। स्ट्राइक पर विशाल। विशाल की बात करें तो विशाल विशाल लक्ष्य आसानी से अर्जित करते हैं। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है इनकी। आसानी के साथ 2 रन पूरा किया बल्लेबाज विशाल ने और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन। अभी भी 40 गेंदों पर 93 रनों की जरूरत। बॉलर राजा अपने कोटे का 3रा ओवर लेके सामना करेंगे विशाल। एक बार फिर से जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। राजा एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे तायुम। देखना होगा एक बार फिर से
4.3 बॉलों पर 93 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग जमरा और आगे नहीं ले पाएगा। थर्ड अंपायर को रेफर किया है। आउट करार दिए गए तायुम। शानदार बैटिंग कर रहे थे, अभी तक 10 गेंदों का सामना किया था, 22 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ लाला ने किंग का 93 रन के स्कोर पे। चार राधे आए हैं बैटिंग के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 14.2 का। विशाल को लगाने होंगे, विशाल सिक्स। चार 4.4 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग। केराली विलियम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। चराते तैयार, सामना करेंगे राजा का। पूरी तरीके से छकाया है। देख क्या खूबसूरत गेंद, पड़ के हल्का सा बाहर की तरफ। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 पावर्ड बाय पवेलियन। आज का दिन का पहला मैच। ओवर की आखिरी बॉल डॉट के साथ खत्म करेंगे। इसी के साथ 9 ओवरों की समाप्ति पर 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम लाला ने किंग। तो विशाल अभी तक क्रीज पर मौजूद, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
पारी का दूसरा ओवर लेकर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर डोरिया इस पारी का दसवां ओवर। इस बार हवा में खेल दिया एक बार फिर से, क्या सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। विशाल की बैटिंग, लाजवाब, शानदार, क्या खूबसूरत शॉट आसानी के साथ मारा। वही लालाने का स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन। चाहे इस बार जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए, रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन, पांच विकेट के नुकसान पे। अभी भी 34 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत। विशाल ने 22 गेंदों पर 44 रन बनाया। क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं अभी की क्रीज पे मौजूद। डोरिया एक बार फिर सामना करेंगे विशाल, एक बार फिर से हवाई फायर, केन सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए, और इसी छह रनों के साथ विशाल अपना अर्धशतक पूरा करते हुए मात्र 23 गेंदों पर ये 50 रन। लाला ने किंग 109 रन, पांच विकेट के नुकसान पे। चल बार फील्डर तैनात एक रन आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन, पांच विकेट के नुकसान पे। चल दर्शकों में काफी उत्साह। तेली चन्नौ 9.5 के दो का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 110 रन, पांच विकेट के नुकसान पे। और की आखिरी बॉल आसानी के साथ एक रन प्राप्त कर लेंगे, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 111 रन, 10 ओवर के नुकसान पे। दस ओवर की समाप्ति पर 111 रन, पांच विकेट के नुकसान पे टीम लाला ने किंग। अल्फाबेट हॉस्पिटल, हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, हेमेटोलॉजी, ओपीडी, आईपीडी एंड फार्मेसी। ग्यारहवां ओवर, अभी भी लगभग 15 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। 30 बॉलों पर 74 रनों की जरूरत है, बॉलर जीना माए हैं। सामना करेंगे चाहे तो दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट प्राप्त करेंगे।
देखना होगा फ्रीड का कितना फायदा उठाते हैं विशाल। अभी तक 24 गेंदे खेलकर 51 रन बनाया है। देखना होगा जिन हम किस प्रकार से इस गेंद को डिलीवर करते हैं। फुल टॉस गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। फुल टॉस गेंद थी जिसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए पीछे फील्डर तैनात। एक बार फिर दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक 118 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, अभी 29 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत। इस बार किसी के पास कोई भी मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पापुम रॉयल्स की जीत के बीच में विशाल, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक 26 गेंदों का सामना किया है और 59 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद। 10.2 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम लाला ने किंग। अच्छा 10.3 गेंदें स्कोर 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 14 रन पर ओवर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। इस बार कलाइयों के सारे मोड़ दिया गेंद, जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ भागकर एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 123 रन 5 विकेट के नुकसान पे लाला ने किंग। एक बार खूबसूरत बॉलिंग पूरे तरीके से बीट किया। अगर आप अपने टूर्नामेंट को लाइव कराना चाहते हैं तो पवेलियन कनेक्ट करें pavilionplay.com पे। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, नीचे फील्डर तैनात, लेकिन कोई भी खतरा नहीं, रन के लिए मना किया विशाल ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 123 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल शेष।
हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी 2024 में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाबम रॉयल्स बनाम लालानी किंग के बीच ये मुकाबला चलता हुआ टोरिया एक बार फिर से सामना करेंगे विशाल नहीं छोड़ने वाले। अभी तक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 23 बॉलों पर 56 रनों की अब जरूरत। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिले तारीफ। मात्र 23 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत। इस बार फील्डर तैनात आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन। 22 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत। आसानी के साथ एक रन और प्राप्त करेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन। जब 21 बॉलों पर 54 रनों की जरूरत। कट कर दिया है लेकिन पीछे फील्डर तैनात। देखना होगा गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करते हैं। आसानी के साथ भागकर 2 रन पूरा करेंगे। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 133 रन। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर से सामने निकल के खेला। सिर्फ एक रन प्राप्त कर पाएंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 134 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 11.5 बॉलों का खेल संपन्न होता हुआ इस पर की आखिरी बॉल सामना करेंगे राधे। निकल के खेला है कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जब विशाल काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं 32 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। लालानी किंग 138 रन 5 विकेट के नुकसान पे 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है अभी। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे जनाब बॉलिंग पे हैं। अठारह बॉलों पर 47 रन की जरूरत थी स्टोर्ड बॉल के साथ अब 17 गेंदों पर 47 रन। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट एक पीछे फील्डर मौजूद। सोलह गेंदों पर 46 रन। एक 139 रन 5 विकेट के नुकसान पे 16 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत। ओके लालानी किंग्स नीड 46 रन इन 16 बॉल्स। इस बार दिशाहीन गेंद
इसी के साथ 141 रन लला ने किंग नीड 44 रन 16 बॉल्स लला ने 141 फॉर 5 इन 12.2 ओवर्स। इस बार हवा में गेंद लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सामने की तरफ मारना चाहते थे लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेके बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और लाला ने किंग 145 फॉर 5 एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लाला ने किंग का स्कोर बढ़ता हुआ 149 फॉर 5 अभी 20 ओवरों में 2 गेंद शेष। चल निकल के खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से चुके। और क्या आखिरी को सामना करेंगे विशाल। थर्टी सिक्स नीडेड इन 13 बॉल्स। इस बार दिशाहीन गेंद। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लाला ने किंग का 150 रन 150 फॉर 5 लाला ने किंग्स नीट 35 रन्स। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद चाहे एक और अतिरिक्त गेंद डालनी होगी गेंदबाज। ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे विशाल। आगे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन कोई भी फील्डर मौजूद नहीं गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 155 रन 155 पर 5 लाला ने किंग नीड्स 30 रन इन 12 बॉल्स। 12 गेंदों पर 30 रन बनाने होंगे 12 बॉल 30 रन्स। क्या शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है विशाल ने इस विशाल लक्ष्य को अर्जित करने के लिए। जी हम मात्र 2 ओवरों का खेल तेरह ओवर की समाप्ति पर 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर लाला ने किंग 12 गेंदों पर 30 रन 30 रन नीडेड इन 12 बॉल्स।
तापा एक बार फिर से अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। ये बल्लेबाज तैयार। अच्छा मना किया, स्ट्राइक रखेंगे विशाल। 38 गेंदों का सामना किया है, 83 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी। 29 रन नीडेड इन 11 बॉल्स। व्हाट बैटिंग बाय विशाल। इस बार सामने की तरफ खेला है, कोई भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लाला ने किंग नीड 25 रन इन 10 बॉल्स। लेट्स सी, सुपर बैटिंग बाय विशाल। मना किया। जब विशाल जानते हैं कि अगर वो अपने पास स्ट्राइक रखते हैं तो वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। अभी भी 25 रनों की जरूरत 9 गेंदों पर। लाला ने नीड 25 रन इन 9 बॉल्स। इस बार भी काफी खूबसूरत गेंद टापा द्वारा। एट बॉल 25 रन नीडेड टू विन फॉर लाला ने किंग। जी हाँ, लाला ने किंग को जीतने के लिए 8 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। गेंद पास, टापा एक बार फिर से तैयार, लेकिन विशाल नहीं मानने वाले। जी हाँ, शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए विशाल अपने निजी स्कोर 93 रन पर 42 गेंदों का सामना किया है मात्र। जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब तक ये क्रीज पे मौजूद है कुछ भी मुश्किल नहीं लाला ने किंग के लिए। 4 ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे विशाल। सेवन बॉल 19 रन्स। इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर 166 रन, 166 रन फॉर 5 विकेट इन 14 ओवर्स। टीम लाला ने किंग्स। एक ओवर में बनाने होंगे 19 रन अगर इस मैच को जीतना है तो। देखना होगा आखिरी ओवर का भार किस गेंदबाज के ऊपर आता है। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। जी हाँ, बॉलिंग मार्क पर आए हैं लोमा, सामना करेंगे थेली राधे। लाला ने किंग नीड्स 19 रन इन 6 बॉल्स। लेट्स सी, अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते तो probo.in पे लॉगिन करें, सही जवाब दें और प्रॉफिट बनाए। जी हाँ, पहला बॉल नीचे, फील्डर तैनात और ये आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया है। इसी के साथ 6वें विकेट का पतन होता हुआ। 5 बॉल्स 19 रन नीडेड।
कैच। क्या बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं सितेश, देखना होगा क्या करते हैं अपने टीम लाला ने किंग के लिए। पांच गेंदों पर 19 रन बनाने हैं बॉलर लोमा, एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे सितेश। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और आसानी के साथ भाग कर एक रन पूरा किया है। बाई के रूप में एक रन मिलता हुआ, 18 रन नीडेड इन फोर बॉल्स। लालाने को जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है चार गेंदों पर। देखना होगा विशाल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इन लास्ट चार गेंदों पर। विशाल 43 गेंदों पर 93 रन बनाकर खेल रहे हैं, मात्र 7 रन दूर अपने शतक से। बॉलर लोमा एक बार फिर से तैयार, यह खेल दिया है इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ विशाल अपने निजी स्कोर 99 रन पर पहुंच चुके हैं मात्र 44 गेंदों पर। ललाने किंग्स ने 12 रन इन 3 बॉल्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंड गाइस, जब दर्शकों में काफी उत्साह दिखता हुआ। लालाने किंग नीड्स 12 रन इन 3 बॉल्स। लालाने 173 फॉर 6। एक बार पीछे फील्डर तैनात लेकिन कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इसी के साथ विशाल ने अपना शतक पूरा किया है मात्र 45 गेंदों पर 103 रन की यह पारी। काफी यादगार पारी होगी अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है टीम लालाने किंग। क्या खूबसूरत मैच, क्या शानदार मैच। लालाने किंग 177 पर 6, 14.4। लास्ट दो गेंदें बची हैं, ये बोल्ड कर दिया है। जी हाँ, ये विकेट नहीं, लालाने किंग इस मैच से बाहर। जी हाँ, स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं पाए, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन उतने ही शानदार गेंदबाजी लोमा की। ये अपना चौथा विकेट प्राप्त करते हुए जी हाँ 14.5 गेंद का खेल पूरा होता हुआ, स्कोर 177 पे 7। 14.5 गेंद और की आखिरी गेंद, सामना करेंगे तुलो। पाबम रॉयल्स ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया है। जब तक विशाल मौजूद थे तब तक तो यह मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चल रहा था लेकिन विशाल की विकेट जाते ही ये मुकाबला पाबम रॉयल्स ने अपने नाम किया।
सात रनों से यह मुकाबला अपने नाम किया है पापम रॉयल्स ने। क्या कुछ ही छड़ों में फिर दूसरा मैच यानी कि पहला सेमीफाइनल खेला जाना है। बने रहे, धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
रेडी हो गया। नेक्स्ट नंबर टी प्ले बिटवीन पापुन रोल वर्सेस लाल आने टेस्ट वन बार पापुन रोल एंड इलेक्टेड टू बेट टेस्ट। पापुन रोल स्कोर्ड 184 in 15 overs and Lal Ahmed just scored 178 runs in 15 overs. Papun Roy's won by 6 wickets and man of the match goes to Tichy Dorea who scored 117 runs in 55 balls. In economic strike rate, there is no economic strike rate 212 runs and match goes to Tichy Dorea.